आरपीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें। दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत करते हम आप सभी के लिए खबरें चुन चुन के लाने में, तो थोड़ा सा आप भी आपका प्यार एंड सपोर्ट को दिखाते हुए, थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे जरूर से नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों सैमसंग से। सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज की ये जो लाइनअप है वो 17 जैन को लॉन्च होने वाली है भारत में, एज वेल एज ग्लोबल भी लॉन्च होगी, और इसका लैंडिंग पेज भी आ चुका है। और सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज में S24 अल्ट्रा ये जो स्मार्टफोन है, इसके रिगार्डिंग एक खबर निकल कर बाहर आ रही है कि भाई अगर आप ये स्मार्टफोन को प्री ऑर्डर कर देते हो तो भाई आपको 120 FPS 4K रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ S24 सीरीज के लाइनअप में अगर आप कोई भी स्मार्टफोन को प्री रिजर्व कर दे तो कुछ आपको 5000 रुपये तक का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। हालांकि हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था S24 जो सीरीज आएगी जिसमें हमें Exynos 2400 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये बात कहीं हद तक सही है, क्योंकि S24 ये जो स्मार्टफोन है जिसमें हमें Exynos 2400 चिपसेट देखने को मिल जाएगी। हालांकि S24 प्लस S24 अल्ट्रा ये दोनों स्मार्टफोन में हमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट देखने को मिलने वाली है। वैसे S24 सीरीज के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए वाकई काफी अच्छी खबर है। वैसे आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा, क्या सोचे आपकी, इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताइए। आईटेल की बात करते हैं दोस्तों। आईटेल ने फाइनली अपना आईटेल A70 ये जो स्मार्टफोन जिसे लॉन्च कर दिया है भारत में। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें 6.6 इंच के में HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, यूनिसॉक T603 चिपसेट की ताकत देखने को मिल जाएगी, 30 MP ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, 8 MP फ्रंट सेल्फी कैमरा, 5000mAh बैटरी, एंड्रॉइड 13 गो एडिशन के साथ ये स्मार्टफोन आएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट भी है फास्ट चार्जिंग के लिए। वैसे ये जो स्मार्टफोन है जिसमें हमें 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर जो बेस वेरिएंट है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस 6,299 रुपये रखी गई है। हालांकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की अगर बात करें जो कि 4GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस रखी गई 7,299 रुपये। वाओ, काफी एग्रेसिव प्राइस पर स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। यानी कि अगर आपको चाहिए मल्टीटास्किंग के लिए एक बेहतरीन स्मार्टफोन, वो भी कम प्राइस में और वो भी ज्यादा स्टोरेज के साथ, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा। हालांकि ये स्मार्टफोन का फर्स्ट सेल जो है वो आज से शुरू होने वाला है अमेजोन पर, तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो। हॉनर की बात करते हैं दोस्तों। हॉनर ने अपना हॉनर X50 GT ये जो स्मार्टफोन है जिसे लॉन्च कर दिया है चाइना में। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो 6.78 इंच की 1.5K कर्व्ड OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिपसेट की ताकत देखने को मिल जाएगी, 108+2+2 MP ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, जबकि 8 MP में फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, 5800mAh की बैटरी, 35W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, IR ब्लास्टर, IP53 की रेटिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। वैसे ये जो स्मार्टफोन जिसके अगर कीमत की बात करें तो ये स्मार्टफोन में हमें 4 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जहां पर बेस वेरिएंट की शुरुआत 12GB रैम 256GB स्टोरेज से हो जाती है, जिसकी प्राइस रखी 1999 चीनी युआन, यानी अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी के हिसाब से 23,800 रुपीज हो जाता है। वैसे अगर यही स्मार्टफोन के अगर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की अगर बात की जाए तो वो 16GB रैम 1TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस रखी गई 2799 चीनी युआन, यानी अप्रोक्सीमेटली कुछ 33,335 रुपीज के आसपास हो जाता है। वैसे मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द चीपेस्ट 1TB स्टोरेज के साथ आने वाला स्मार्टफोन बन जाता है। अब देखते हैं दोस्तों हॉनर का ये जो स्मार्टफोन है जिसे भारत में लॉन्च किया भी जाता है या नहीं। Xiaomi की बात करते हैं दोस्तों। Xiaomi की जो HyperOS है जो कि भारत में हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। हालांकि Poco के जो स्मार्टफोन है लाइक Poco F5 जिसमें बेटा टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है Xiaomi के HyperOS की। अब यहाँ पर Xiaomi की जो ये HyperOS है जो कि हमें सबसे पहले देखने को मिलने वाली है Xiaomi 13 Pro स्मार्टफोन में, और साथ ही साथ Xiaomi Pad 6 Tab में। जी हाँ,
यानी कि पहला डिवाइस रहेगा Xiaomi 13 Pro। अगर आपके पास भी है तो भी कहा जा रहा है जैन 2024 यानी इसी मंथ में धीरे धीरे ये अपडेट सभी यूजर्स को मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे कहा जा रहा है कि भी Xiaomi के जो हाइपर ओएस है जिसके साथ आपको काफी एक नया ही एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, बेहतरीन एक्सपीरियंस, ऐसा Xiaomi का कहना है। वैसे ये तो अपडेट करने के बाद, यूज करने के बाद ही पता चल पाएगा। वैसे क्या सोचे आपकी इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताइए। पोको की बात करते हैं दोस्तों, पोको X6 सीरीज जो कि 11 जैन को दस्तक देने वाली है भारत में, जहां पर हमें पोको X6, पोको X6 Pro ये दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। हालांकि पोको X6 ये जो स्मार्टफोन है जिसमें हमें Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिलने वाला है, जबकि पोको X6 Pro ये जो स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें MediaTek Dimensity 8300 अल्ट्रा चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। और रूमर्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है दोस्तों, पोको X6 सीरीज जिसमें हमें हाइपर ओएस का इस्तेमाल पहले से देखने को मिलने वाला है, देखो तो पिंच ऑफ सोल्ट दोस्तों, रूमर्स ऐसा कह रहे, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये तो पोको X6 सीरीज के लॉन्चिंग के बाद ही पता चल पाएगा। OnePlus की बात करते दोस्तों, OnePlus 12 ये जो स्मार्टफोन जो कि 23 जैन को लॉन्च होने वाला है भारत में, और लॉन्चिंग से पहले भी Amazon पर इसका टीजर सा दिखा दिया है Amazon ने, जहां पर हम Hazelbread की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है OnePlus 12 स्मार्टफोन में। हालांकि ये जो स्मार्टफोन आएगा जिसमें हमें 50 वॉट का AirWook वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और ये स्मार्टफोन स्पेशल Amazon स्पेशल रहने वाला है, यानी कि Amazon का एक्सक्लूसिव डिवाइस रहेगा। और यही स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस 60,000 रुपीज के आसपास कही जा रही है। अब देखते हैं वैसे क्या होता है, लेट्स सी। Realme की बात करते हैं दोस्तों, Realme वालों ने अपनी टैग लाइन को चेंज कर दिया है। एक टाइम पर डेयर टू लिव हुआ करता था, अब टैग लाइन कुछ चेंज होके हो चुके मेक इट रियल। अब मेक इट रियल के हिसाब से सब कुछ हमें रियल देखने को मिलने वाला है। तो रियल के हिसाब से भी Realme 12 Pro सीरीज की क्या प्राइस लगता है Realme, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये Xiaomi की जो Redmi Note 13 सीरीज है जो कि कल ही लॉन्च की गई है, उसी की तरह अगर इससे ओवर प्राइस लॉन्च ना करे तो मजा ही आ जाएगा। वैसे क्या सोचे आपकी इसके बारे में कमेंट में जरूर से बताइए। iQOO की बात करते दोस्तों, iQOO Neo 9 Pro ये जो स्मार्टफोन जो कि हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है भारत में, जिसे खुद iQOO ने टीज कर दिया है कि भाई ये स्मार्टफोन हमें फेब मंथ में देखने को मिल जाएगा, अर्ली फेब में, यानी शुरुआती वन वीक में देखने को मिल सकता है। वैसे ये स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसका जो इंडियन वेरिएंट रहेगा जिसमें हमें 6.78 इंच की 1.5K OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट के में ताकत देखने को मिल जाएगी, 50 मेगापिक्सल IMX920 सेंसर का इस्तेमाल किया जाने वाला है, 5160mAh की बैटरी, 120 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, Android 14 आउट द बॉक्स होने वाला है। वैसे ये स्मार्टफोन की प्राइस कही जा रही है भारत में 40,000 रुपीज के आसपास होगी। अब वैसे देखते हैं ये स्मार्टफोन को किस कीमत पर कितनी ही जल्दी लॉन्च किया जाता है, इस बात का इंतजार है। काम ग्रिल की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको चाहिए पावर बैंक, एक कॉम्पैक्ट पावर बैंक, वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड की, तो ये जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है दोस्तों। अर्बन कंपनी के और से आने वाली पावर बैंक अभी आपको फिलहाल काफी कम कीमत में अमेजोन पर ही देखने को मिल जा रही है। और यही पावर बैंक के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, 10,000 mAh की पावर बैंक रहेगी जिसमें हमें 22.5 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, टाइप सी इनपुट आउटपुट दोनों ही पोर्ट देखने को मिलने वाले, वैसे मल्टीलेयर प्रोटेक्शन भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है, और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी, और 6 मंथ की वारंटी भी देखने को मिल जाती है, और क्या चाहिए। और यही पावर बैंक अगर कीमत की बात करें तो ये भी आपको अमेजोन पर देखने को मिल जा रही है 999 रुपए में, वैसे काफी बेहतरीन डील है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो भी इपिक गेम स्टोर पर आपको मार्वल्स गार्डियन ऑफ गैलेक्सी ये जो गेमिंग टाइटल है वो अभी फिलहाल आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जा रहा है। नॉर्मल टाइम पर इसकी जो कॉस्ट है कुछ 2,000 से 3,000 रुपीज के आसपास होती है। वैसे काफी अच्छा टाइटल भी है, एक्शन एडवेंचर टाइप ऑफ गेम है, अगर आपको इस टाइप की गेम खेलने का मजा आता है तो ये गेम आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। वैसे ये जो गेम है अभी फिलहाल आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, तो एटलीस्ट आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हो, जब भी आपका मूड हो तब आप ये गेम को खेल सकते हो। तो बस आज की टेक न्यूज यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जो उसे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आप सब, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्मायलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।